मार्वल स्टूडियो 2019 के बाद हमें पहली बार कॉमिक कॉर्न में नजर आया, वो भी एक नहीं दो दो पैनल के साथ। और मार्वल स्टूडियो हमारे लिए यहाँ पे एक टीजर लेके आया था, लेकिन यहाँ पे हुई जबरदस्त अनाउंसमेंट ने इसे बेहद ही खास बना दिया, जिसमें हमें फेज 4 की एंडिंग के साथ साथ फेज 5 और फेज 6 तक के सभी प्रोजेक्ट को अनाउंस कर दिया गया। मार्वल वाले फेज 4 भले ही इतनी जल्दी खत्म कर रहे हो, लेकिन इनके द्वारा की गई अनाउंसमेंट ने हमें बिल्कुल भी निराश नहीं किया है, क्योंकि आगे हमें बेहद सारा माल देखने को मिलने वाला है। और फेज 4 की लास्ट मूवीज होने वाली है वकांडा फॉर एवर, और इसके बीच हमें सिर्फ सीरियल देखने को मिलेगी। और फेज 5 की शुरुआत होगी एंड मैन एंड द वास्ट क्वांटम मेनिया से, जो कि फरवरी 2023 में रिलीज होगी, और यह फेज 5 की पहली मूवी होगी। और इसी के साथ लीक फोटो में हमें स्कॉट की बेटी भी नजर आती है, जो कि उन्हीं की तरह एक सूट पहने होती है। इसके बाद हमें सीक्रेट इन्वेंशन सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें निक फ्यूरी और स्कल देखने को मिलेंगे। इसके बाद मई 2023 में हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 देखने को मिलने वाला है, जो कि हो सकता है कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का लास्ट पार्ट भी हो। और अगर कुछ लीक की बात माने तो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी यह मूवी हमें काफ़ी इमोशनल कर देने वाली है, यानी गार्डियन अब पहले ऐसे नहीं रहेंगे जैसे कि पहले वे हुआ करते थे, हंसने खेलने वाले और कॉमेडी करने वाले, जिसका कारण किसी की डेथ भी हो सकती है या हो सकता है कि उनके बीच कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ हो। इसके बाद हमें एको सीरीज देखने को मिलने वाली है, जो कि 2021 में आई हॉकाई सीरीज के आगे की कहानी होगी। और आगे हमें देखने को मिलेगा लोकी का सेकंड पार्ट, जिसके लिए तो भाई सभी लोग बेहद ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और साथ ही यह देखने भी काफ़ी एक्साइटेड होगा कि यह मल्टीवर्स वाला जो रायता इन्होंने फैलाया है वह इसे कैसे संभालेंगे। आगे जुलाई 2023 में हमें द मार्वल्स देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन फीमेल सुपर हीरो देखने को मिलेंगी। और इसके लिए एक्साइटमेंट उतना खास नहीं है, क्योंकि इसकी लास्ट मूवी में यह हमें उतना खास पसंद नहीं आई थी। आगे नवंबर 2023 में हमें ब्लेड देखने को मिलने वाली है, यानी बचपन का प्यार हमें फिर से वापस देखने को मिलेगा। और इसके बाद हमें आयरन हार्ट सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसकी झलक आपने वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर में देख लिया होगा। आगे हमें फैन डिमांड पर अगाथा कोवेन ऑफ क्योर्स देखने को मिलने वाली है, और 2023 का यह लास्ट प्रोजेक्ट होगा। 2024 में हमें डेयर डेविल्स बॉर्न अगेन सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें टोटल 18 एपिसोड देखने को मिलेंगे, यानी 3-4 महीने हम सिर्फ डेयर डेविल ही देखते रहेंगे। और यह क्या आर रेटिंग होगा यह देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। आगे हमें मई 2024 में सैम विंसल की कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें नए कैप्टन अमेरिका की नई कहानी देखने को मिलेगी, और यह फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के आगे की कहानी होगी। इसके बाद फेज 5 खत्म होगा 26 जुलाई 2024 को थंडरबोल्ट्स के साथ, जिसमें हमें विलन्स की कहानी देखने को मिलने वाली है। और फेज 5 में हमें एक भी एवेंजर्स की मूवी दिखाई नहीं देगी, लेकिन थंडरबोल्ट्स भी एवेंजर्स से कम नहीं होने वाली है। इसके बाद फेज 6 की शुरुआत होगी फैंटास्टिक 4 के साथ, जो कि हमको नवंबर में देखने को मिलेगा। और इसके बाद हमें मई 2025 में एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी, और इसके ठीक 6 महीने बाद नवंबर में हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर देखने को मिलेगा। यानी दोनों एवेंजर्स के बीच सिर्फ 6 महीने का गैप, यानी एमसीयू की हिस्ट्री में यह पहली बार हो रहा है कि एक साल के भीतर हमें दो दो एवेंजर्स की मूवी देखने को मिलेगी। मार्वल यहाँ पे एक बेहद ही बड़ा रिस्क ले रहा है, लेकिन यह रिस्क लेना भी बनता है, क्योंकि यह दोनों ही मूवी बेहद ही बड़े होने वाली है। आगे बात करें तो फेज 6 की और भी अनाउंसमेंट अभी बाकी है। इसी के साथ हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर और शी हल्क का ट्रेलर भी देखने को मिला है, जो कि बेहद ही शानदार है और बेहद ही इम्पैक्टफुल भी। बात करें ब्लैक पैंथर की तो इसे देखकर काफ़ी एपिक फील हो रहा है, इसकी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और बात करें इमोशन की तो भाई यह मूवी आपके दिल को कुरेदने वाली है, जिससे आप खुद फील करने वाले हो। और इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि यह ट्रेलर आपको पहले ही इमोशनल कर देगा। अब बात करते हैं शी हल्क की, तो भाई लोग इसके लिए उतने कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं थी कि चलो भाई एमसीयू का माल आ रहा है तो चलो हम इसे देख लेंगे। लेकिन लास्ट में डेयर डेविल की एंट्री ने इसे बेहद ही खास बना दिया है, और अब तो मैं यह कह ही सकता हूँ कि भाई एक्साइटमेंट तो अब हो रही है। बाकी एमसीयू के फेज 5 और 6 के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।